नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7। हमारे संवाददाता दीपक चौबे की रिपोर्ट वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भोजपुरी में अपना भाषण शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से गरीबों का फायदा होगा। देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़। मेरा नाम दीपक चौबे। इस वक्त मैं वाराणसी क्षेत्र में मौजूद हूँ, राजा तालाब क्षेत्र में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बदलती काशी का एक स्लोगन देखे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार का पूरा माहौल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें इन्होंने हनुमान जी के रूप में यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के रैली में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे रूप है। आप पहले रूप को देखिए, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे कि ये ऐसा रूप बना के क्यों आए हैं मोदी जी के रैली में। बताइए, आपका क्या मकसद है ऐसा रूप बनाने का? मैं बिहार बेगूसराय पन्हांस आया हूँ। ये मेरा 92 कार्यक्रम है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जहाँ जहाँ पूरे भारत में सभा होती है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी को श्री राम के अवतार माने जाते हैं ऐसा लोग बोलते हैं? जिस तरह से पुरुषोत्तम श्री राम अपने कार्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते थे, उसी प्रकार से मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास जन जन और कण कण के लिए कार्य करने के लिए समर्पित रहते हैं। 2022 में कौन आ रहा है इस बार? 2022 में पुनः बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है और पुनः योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ पुनः सरकार बनाने जा रही है। जय भारत। लगाइए तो जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस बल भी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझा बुझाकर उनको शासन का पालन कराया है। जितने भी आपके चैनल देखने वाले मैं प्रणाम करता हूँ भाई लोग। तो भाई लोग, मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुआ है कोरोना काल के बाद, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहा। तो आपको दर्शकों को मैं बता दूं, बचे हुए हैं जो कि 2022 का विधानसभा का चुनाव होता है, बहुत बड़ा चुनाव है, इसमें भी विरोधी का कहना है कि भाई इसकी तैयारियां चल रही है मोदी जी का। ये विरोधी तो कहते ही रहते हैं, है उनको आप क्या कहना चाहिए? विरोधी को उनके बारे में गलत बातें नहीं करनी चाहिए, वो अपना कार्य करें, ये अपना कार्य कर रहे हैं और जो सफल होगा वो सफल होगा, काम करेगा तो सफल होगा ही। और हमारे देश के लिए हमारे किस किस प्रकार से मोदी जी ने कार्य किया, कुछ एक कार्यों का नाम बता दीजिए। मोदी जी ने मोदी जी ने हमारे बनारस में बदलाव बहुत लाए, सड़क परियोजना के लिए हॉस्पिटल खुलवाए, बच्चों के पढ़ने के लिए कॉलेज और मेडिकल खुलवाए। युवाओं का कहना है युवा बेरोजगार हैं, हालांकि आप लोग महिला हैं, युवाओं से सवाल पूछ रहे हैं, क्या लगता है? तो बिल्कुल सही है, सारी चीजें हो रही हैं, बट इन सब बेरोजगार वो लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। इन देखिए मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मोदी जी के खिलाफ बोले जा रहे हैं प्लीज। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का बेरोजगारी है, युवा के लिए भी बेरोजगारी है, महिलाओं के लिए। मैडम आप बोल रही हैं बेरोजगारी है, आप बोल रही हैं नहीं है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के आप लोग समर्थक है, क्या है एक निर्णय बताइएगा आप? पूरी तरह समर्थक हूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो अच्छा कहेंगे नहीं जो अच्छा नहीं। जब युवा रोजगार एक एक करके बताइएगा, युवा जब रोजगार उनको नहीं मिलेगा तो हमारा देश तरक्की कहाँ से करेगा? युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इसका क्या रीजन है? अनपढ़ नहीं है, नहीं पढ़े लिखे। युवाओं का कहना ये है, साफा सा मुद्दा है कि युवाओं का कहना ये है कि जब से विधानसभा चुनाव हुआ है इन्हें मोदी जी ने निर्माण की बात की, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सारे विकास की बात किया उन्होंने, तो युवाओं के प्रति भी उनको बात करना चाहिए और महिलाओं के प्रति भी बात करना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं, जो उन्होंने अगर उन्होंने कुछ भी आपने शुरू किया है तो उसमें हमारे बेरोजगार लोग भी तो आएंगे। मैं तो युवाओं के समर्थक में हूँ क्योंकि हर चीजें हो रही है, मगर इसमें जो है ध्यान नहीं केंद्रित किया जा रहा है। मोदी जी ने इंटरनेशनल प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश को चला रहे हैं, तो वो सारे लोगों को एक एक कर तो देख नहीं सकते ना, उनके लिए उनकी चैनल बनी हुई है। उनके लिए तो उन्होंने योगी जी को यहाँ पे खड़ा किया ना, तो योगी जी को भी तो देखना चाहिए ना, योगी जी ने क्यों नहीं देखा? खाली काम गिना रहे हैं कि हमें किए वो किए, लेकिन उस काम को सफल कहाँ दिखा रहे हैं? किस पार्टी से?
हाँ तो भाजपा के ही पार्टी से, लेकिन भाजपा गलती करेगा तो कहेंगे नहीं। ये भी है कि अभी हम लोगों के ही बच्चे हैं, हम लोग भी बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी कंपटीशन में आएंगे, अगर उनको जॉब नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा है। महिला की सुरक्षा कितनी बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के आने से? आपसे मेरा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के आने से उत्तर प्रदेश में महिला की सुरक्षा कितनी अच्छी हो गई, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी है, अगर कभी आप एक एक करके बताइए, मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके। आप कोई भी, अभी पहले कभी भी रेप होता था तो उसको सजा दी जाती थी, लेकिन आज के डेट में सजा दी जाती है, पहले होता था नहीं। नहीं मैडम आप क्या कह रहे हैं? नहीं, महिलाओं की सुरक्षा तो काफी बड़ी हुई है, क्योंकि जो है पहले महिलाएं 6 बजे 7 बजे तक जो है घर से आना चाहती थी, अब तो रात में 11 बजे 12 बजे भी आती है। अब बहुत सारे जो है नंबर्स भी चल रहे हैं, आप अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं, तुरंत प्रशासन आपको प्रोवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो चुका है। और हमारे साथ कुछ नेता है और कुछ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगा इनको इस रैली में और किन किन विकासों पे बात हुई है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। सबसे पहले सर आपका अपना परिचय दीजिएगा। हंसराज विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी, जिला अध्यक्ष वाराणसी। सर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अपने प्रधानमंत्री जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने जो एक बहुत पॉइंट अच्छा बोला, और सारी जनता जो आई थी काशी की जनता, उसके लिए उन्होंने पहले भी कहा था, स्वास्थ्य मिशन का जो उन्होंने शुभारंभ किया है कि जान है तो जान है, उन्होंने कहा था जो करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री का बहुत आभार। 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन लगाकर जो जनता का जान बचाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और विकास का जो सौगात तो बराबर देते रहते हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में काशी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक अपना पहचान अलग बनाएगी। सर ये 2022 के चुनाव का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप देखे हैं कि जनता उनको कितना प्यार करती है। हम लोगों ने थोड़ा परिश्रम किया था कि भाई चलकर अपने प्रधानमंत्री के विचारों को आप सुनिए, 2 साल कोरोना पूरे हिंदुस्तान को परेशान किया था, लेकिन उसको बचाने का काम किया था। जो बची जनता है, जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री ने कहा था, तब आकर उनसे दीदार कर रही है, उनको प्यार दे रही है। सर प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के बारे में कुछ नहीं कहा, हालांकि विकास के बारे में किया, विकास बहुत अच्छा देखा गया है, सारी जनता देख रही है, पूरी भारत की जनता देख रही है कि विकास हुआ है, परंतु युवा इनसे नाराज है। आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आजाद ने पहली बार कौशल विकास योजना का गठन किया है। सर लेकिन तो युवा नहीं, सर युवा नहीं, विकास ही वह युवा का आगे बढ़ाएगा। सर उन्होंने बहुत सारी बातें की यहाँ पे रैली में, आपने भी सुना, महिलाओं के प्रति और युवा के प्रति बात, निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण का अगर आह्वान किसी ने किया है, 3 तलाक का आप क्या समझते हैं, उसके गहराई में जाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान उन्होंने बचाया है। सर विरोधी पार्टी का कहना है कि ये 2022 के चुनाव का षड्यंत्र है, ये रैली है, ये षड्यंत्र पूरा है, ये आगाज है, ये 350 के पार जो हम लोग जाने के लिए कह रहे हैं, ये आगाज है, पहली अभी आगाज है, ये तो वाराणसी की जनता है, अभी जब हमारी उत्तर प्रदेश की जनता उभरेगी तब देखिएगा। क्या कहना चाहेंगे विरोधी पार्टी को इस रैली के तरफ? रैली का वो देखें अपना समझे भाई, अभी प्रियंका बंड्रा जी आई थी, 20,000-25,000 की संख्या हुई थी, यहाँ 2 लाख के ऊपर हो गया, 2.5 लाख के ऊपर हो गया। उनका कहना है कि कॉपी कैट किया है आप लोगों ने, उनकी रैली को देख के आप लोगों ने कॉपी कैट किया गया है, यहाँ जनता अपने आप आई है, आप देख रहे हैं सैलाब है, ये रैली नहीं ये रैला है। उनकी भाषण सुनी है और मोदी जी पे सबको अत्यंत विश्वास है और दृढ़ विश्वास है कि वो जनता के सपनों को पूरा करेंगे और साकार करेंगे। तो मोदी जी ने सारी चीजें बात की हैं अभी कि हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, हम लोग को इतना खबर मिला है कि युवाओं के प्रति और महिलाओं के प्रति कोई बातचीत नहीं हुई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं और महिलाओं के प्रति बातचीत है तभी तो इतनी जनता एकत्रित हो रही है। युवा नाखुश दिखी है? ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूजन है बस, युवा बहुत खुश है। युवाओं का कहना है मैं बेरोजगार हूँ, तो जब से मोदी जी और योगी जी के शासन चल रही है तब से मैं बेरोजगार हूँ, उसको आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ मुद्दों पे आप बात बताइए? इसका कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, बेरोजगारी कोई पार्टी या उसको देख के, संविधान को देख के बेरोजगारी नहीं होती है, बेरोजगारी आदमी की काबिलियत पे होती है। तो क्या ये 2022 के चुनाव की रणनीति हो सकती है ये रैली? मोदी जी दे सकते हैं ना, योगी जी दे सकते हैं, ये 2022 के चुनाव की रणनीति हो सकती है? हाँ हो सकती है। तो क्या लगता है आपको ये किस प्रकार की तैयारियां चल रही आप लोगों की, हालांकि आप तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण भी हैं, तो आप उस तरीके से बताइए कि जो 2022 का चुनाव होने वाला, जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें आपका किस प्रकार से तैयारियां चल रही? अच्छी तैयारियां चल रही हैं, विरोधी पार्टी बहुत कुछ वो कर रही है, आप खुद देखिए कितनी जनता संतुष्ट है कि असंतुष्ट है वो जनता जानती है। मैडम आप बताइएगा। नमस्कार, मैं स्नेहा अग्रवाल हूँ, मैं 16 नंबर बंगले से बिलोंग करती हूँ, कैंटोनमेंट क्षेत्र से आई हूँ। मोदी जी से बहुत सारी अपेक्षाएं ऐसी हैं जो महिलाएं चाहती हैं, और उस चीज़ को उन्होंने बकायदे पूरा भी किया है, और जैसे
नारी शक्ति का अभी चला है अभियान, काफी अच्छा चला है और औरतों को काफी सपोर्ट मिला है मोदी जी से। आज सपोर्ट है तभी तो इतनी जनता उभरी है, भीड़ है, आप तो देख ही रहे हैं। और ये है कि काफी चीजें उन्होंने की है और बहुत खुश है, बनारस के लोग काफी खुश है। जी मेरा नाम मीरा है, मैं घोसी ब्लॉक की आशा हूँ और मेरा कहना ये है कि मोदी जी ने जो भी स्वास्थ्य सेवाएं लॉन्च की हैं बहुत अच्छी की हैं। इससे मतलब जनता के अंदर बहुत ज़्यादा ही मतलब कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं। दिस इज माय फर्स्ट बुक सोलेस, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल पोएम्स व्हिच एड्रेसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आई होप ऑल माय रीडर्स आर गोइंग टू एंजॉय इट एंड अंडरस्टैंड दैट लाइफ हैज इट्स ओन कलर्स। This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone.